अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, न्यूज़ टुडे में आप लोगों को मैं वेलकम कहता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल न्यूज़ टुडे को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस ज़रूर करें। इस बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि मेरे आने वाली जो इस चैनल पर न्यू वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको बरवक़्त मौसूल होंगे। आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू इट 100%। मैं आज बिकने को तैयार हूँ ना। अच्छा, मैं तो आपके टीवी पे कह रहा हूँ कि अगर मुझे को खरीदना चाहता है मैं बिकने को तैयार हूँ। मैं अभी कीमत भी बता देता हूँ, डॉलर अमाउंट में चलें। हाँ बताएं। $10 बिलियन दे दे आसिफ जरदारी। अच्छा। हुकूमत के खजाने में मैं चुप करके घर चला जाऊँगा। वेलकम बैक व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अली जैदी जो अपनी JIT सामने लेके आया और पीपल पार्टी गवर्नमेंट की एक और JIT, दो JIT का आपस में तकरार और इसी बहस पे बहस आज पार्लियामेंट में भी चलती रही। और अली जैदी इनवाइटेड थे क्लैश प्रोग्राम इमरान खान सहाफ़ी के प्रोग्राम में GNN। वहाँ पे उन्होंने ऑफ़र की जरदारी साहब को कि आप मुझे इतने डॉलर पैसे दें मैं चुप हो जाऊँगा, मैं बिकने के लिए तैयार। सहाफ़ी इमरान खान ने अली जैदी से सवाल किया कि कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपको रोकता है तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने एक कहावत बोली, आई क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई केम टू इट। उन्होंने बताया कि मैं बिकने के लिए तैयार हूँ, मेरी कीमत भी है मगर मेरी कीमत डॉलर्स में है। इमरान खान ने पूछा कितने डॉलर्स। उन्होंने बताया कि मेरी कीमत है $10 बिलियन, मुझे $10 अरब चाहिए, मैं चुप हो जाऊँगा। $10 अरब गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाएं, हम आपके अगेंस्ट चुप हैं। इस पे सहाफ़ी इमरान भी हंसते रहे और बार बार अली जैदी यही कहते रहे कि जरदारी $10 बिलियन जमा करवाएं हुकूमत के अकाउंट में, देन ये स्टोरी उनके ख़िलाफ़ चुप हो जाएगी, हम बिकने के लिए तैयार हैं, आएँ दें पैसे, मुल्क का कर्जा कम हो जो इन्होंने लुटा हुआ है। मैं तो फिर $10 बिलियन मांग रहा हूँ, अगर कोई और होता तो शायद वो $20 मिलियन या $50 बिलियन तक मांग लेता। सो व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।